आज हम जानेंगे लीड बैंक स्कीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लीड बैंक स्कीम बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे ज़्यादा कवरेज एरिया वाला बैंक होता है उसको एज अ लीड बैंक मान के गवर्नमेंट की पॉलिसी से कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली जैसा कि नाम से ही चल रहा है लीड बैंक स्कीम, तो ये बेसिकली जो एक लीड बैंक होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए असाइन किया जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया में जिस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उस बैंक को ही लीड बैंक स्कीम से कनेक्ट किया जाता है। तो इसका जो मेन एम था स्टार्टिंग में, लीड बैंक स्कीम लाने का जो मेन एम था वो यही था कि सबसे पहले तो लीड बैंक स्कीम 1969 में लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे जो बैंकिंग की फैसिलिटी थी वो अर्बन एरियाज़ में ही थी, रूरल एरियाज़ में या फिर रिमोट एरियाज़ में उनकी पहुंच ना के बराबर थी। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए लीड बैंक स्कीम को लाया गया, और जिससे कि जो रूरल पीपल्स हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, किसान हैं या फिर अदर जो रहते हैं गाँवों में लोग, उन तक बैंकिंग की फैसिलिटी आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, इसमें बेसिकली एक जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने लायक कि इसके लिए एक सर्विस एरिया अप्रोच को अपनाया गया। तो इस सर्विस एरिया अप्रोच के थ्रू ही वो रूरल एरियाज़ में अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव कर सकते थे। ठीक है, लीड बैंक को का रिकमेंडेशन दो स्टडी ग्रुप ने दिया था। पहला स्टडी ग्रुप था गाडगिल स्टडी ग्रुप, जिसके चेयरमैन थे डीआर गाडगिल, और दूसरा जो ग्रुप था वो था बैंकर्स कमिटी, जिसके हेड थे एस नरीमन। ठीक है, तो इन दो ग्रुप ने अपने अलग अलग स्टडीज किए और इनका दोनों का रिकमेंडेशन सेम था कि लीड बैंक स्कीम लाई जानी चाहिए। ठीक है, स्कीम जो है इन दोनों कमेटी का रिकमेंडेशन था, लेकिन इस स्कीम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस आरबीआई ने किया था, लॉन्च आरबीआई ने किया था। गांवों तक बैंकों की पहुंच काफ़ी कम थी और गांव में रहने वाले लोगों को भी पहुंच बैंकों तक बहुत कम थी, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे 1969 या उससे पहले के टाइम पे। जब इन दो ग्रुप ने स्टडी करी तो बेसिकली यही दोनों का ही सजेशन था कि गांव में जो है बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ाना है, वहाँ पे कॉमर्शियल बैंक का पार्टिसिपेशन गाँवों में उनकी प्रेजेंस को इंक्रीज करना है, और ताकि जिससे जो गांव के लोग हैं वो बैंकिंग फैसिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। तो इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, दोनों बैंकों की ये जिम्मेदारी दी गई। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक एरिया दे दिया गया, ठीक है, और उस एरिया में उन्हें अपनी जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो इंक्रीज करने का एक टारगेट दे दिया गया। लोगों को इसमें क्या होगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा बैंकिंग फैसिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल जो सर्विसेज होते हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली लीड बैंक का जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट है इतना ही है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें जो बैंक सबसे ज़्यादा वर्किंग है, जिसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो और ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी के बारे में अवेयर करेगा, लोगों की कनेक्टिविटी बैंकिंग से बढ़ाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, और उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज इजीली प्रोवाइड करेगा। उसकी जो प्रोसीजर है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज की क्रेडिट लेना है, बैंकिंग जो भी सेविंग अकाउंट है, FD RD, इन सब फैसिलिटी के बारे में अवेयर करना, ये लीड बैंक का काम है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे, बात करते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करना, मार्क करना, उन रीजंस को, उन एरिया को चिन्हित करना जहाँ पे बैंक नहीं है या फिर बहुत कम बैंक है, जो उनका पर्टिकुलर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, जहाँ पे बैंक बिल्कुल बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है लेकिन होनी चाहिए, उन एरिया को मार्क करना। साथ ही इकोनॉमिक सर्वे करना जिसके थ्रू वो उसकी फिजियोग्राफिक, एग्रोक्लाइमेटिक और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, इन सब कंडीशंस के बारे में इकोनॉमिक सर्वे करके जान सके। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पर जो रीजनल इम्बेलेंस है उसको रिमूव करना, क्रेडिट प्रॉपर अप्रोप्रिएट क्रेडिट डिप्लॉयमेंट करके, मतलब जो भी लोग वहाँ पे हैं, ठीक है, उनमें
पर्टिकुलर छोटे छोटे रीजन में काफी इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। कुछ रीजन में लोग होंगे कि काफी अच्छा उनका इनकम सोर्स है, रहने सहने का तरीका काफी अच्छा है, लेकिन वहीं बाजू वाले कोई रीजन में लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा कम हो सकता है। तो इस चीज़ को एक प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जहाँ पे ज़रूरत है, और वहाँ के लोगों का जो इम्बैलेंस है रहने का, या किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, लिविंग स्टैंडर्ड इम्बैलेंस है, उन सभी इम्बैलेंस को अवॉइड करना, दूर करना, ठीक है, रिमूव करना। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, बैंकिंग फैसिलिटी को एक्सटेंड करना उन एरियाज में जहाँ पे बैंक बिल्कुल नहीं है, मतलब कि जहाँ पे बैंक नहीं है लेकिन अगर वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सकती है, बैंक खोले जा सकते हैं, तो वहाँ नए बैंकों को खोलना। फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है, जो कमिटी है उसने सबसे पहले अपने स्टडी में ये ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें क्रेडिट का गैप काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। कुछ सेक्टर जो हैं वो काफ़ी रिच हैं, लेकिन वहीं कुछ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली पुअर कंडीशन में है, ठीक है। तो इस कमी को दूर करना, ठीक, दूर करने के लिए प्रॉपर क्रेडिट प्लान को तैयार करना भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जेक्टिव जो है वो इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्निकल फिजिएबल जो स्कीम्स है, ठीक है, उन स्कीम्स को आइडेंटिफाई करना और हो सके तो उसे लागू कराना, इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को सजेशन देना भी इनके अंडर में इनका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जो सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है, बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल चेंजेस लाना जिनकी ज़रूरत हो। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बैंकिंग फैसिलिटी का, कहने का मतलब कि जो एक अगर कोई एक फार्मर बैंक जा रहा है उसे लोन लेना है, तो वो लोन के लिए किसके पास अप्लाई करेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंटेशन, कैसा प्रोसीजर, जो पूरी प्रोसीजर है वो कैसे गुजरना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इजी बनाना उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से। और साथ ही प्रोसीजरल चेंजर, मतलब अगर बैंक के लिए अप्लाई किया है तो जो पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लोन सेक्शन और फिर रिपेमेंट प्लान का भी, ठीक, तो इन सारे प्रोसीजर में थोड़ी सी पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से बदलाव लाना, चेंजेस करना, ताकि लोगों को आसानी से क्रेडिट दिया जा सके। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उनमें एक कॉपरेशन डेवलप करना, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। हर तरह की जो एजेंसियां हैं, इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो अपना काम कर रही हैं, उनमें एक सहकारिता का विकास करना, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस को बेसिकली आरबीआई ने दो पार्ट में बांटा है लीड बैंक स्कीम के फंक्शंस को, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये दो फेज में बटे हुए हैं, पहला सर्वे ऑफ द लीड डिस्ट्रिक्ट और दूसरा जो है क्रेडिट रिलेटेड जो प्लान है उसको प्रिपेयर करना, ठीक है। तो फर्स्ट फेज की बात करें तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया जाता है, तो सर्वे करने के भी जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। उन एरिया का सर्वे करना जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है, तो उस अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में उन एरिया का सर्वे करना जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी का विकास किया जा सकता है, ठीक है, या उस वैसा कुछ पोटेंशियल उस एरिया में है, तो उन पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करना। सेकंड, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज से रिलेटेड बेसिकली जो बिजनेस होते हैं, उन बिजनेस को आइडेंटिफाई करना और स्टेब्लिश करना, उनको स्टेब्लिश करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उन्हें फाइनेंस करना, ताकि जो उस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस है उन्हें डेवलप किया जा सके, उससे रिलेटेड पर्सन की इनकम इंक्रीज हो सके। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कि उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी मार्केटिंग फैसिलिटी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, उन सब का एग्जामिन करना, उन्हें उनके क्रेडिट के साथ उनको लिंक करना, ठीक है, जो भी मार्केटिंग फैसिलिटी है उनको क्रेडिट के साथ लिंक करना, ताकि जो मार्केटिंग फैसिलिटी का स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, लोगों को
जिसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आए। बेसिकली जो है इससे भी एक बिजनेस ग्रो होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इस चीज़ पे भी वो ध्यान देते हैं। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ये है कि जितने भी डिफरेंट बैंक्स हैं उन बैंक्स को इन्वोक करना, उन्हें उनका आह्वान करना, उन्हें मतलब एक तरह से इन्विटेशन देना कि वो इस एरिया में आए और अपने बैंक की ब्रांचेस ओपन करें, बैंक और लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। जो नेक्स्ट फंक्शन है, जो उस डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में जो वेरियस सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में जो क्रेडिट गैप है उसका एस्टिमेशन करना। उसके बाद नेक्स्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज और जो अदर एजेंसीज हैं उनके साथ मेलजोल को मेंटेन करना, बनाए रखना, मेलजोल को बनाए रखना, और साथ ही जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो संबंध हैं, उनको डेवलप करना, उन संबंधों को बढ़ाना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फेज़ टू की बात करते हैं। फेज़ टू में जो भी क्रेडिट प्लान्स प्रिपरेशन करते हैं आरबीआई के अंडर में, ठीक है, आरबीआई जनरली उन चीज़ों को इम्फेसाइज करता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये फेज़ टू भी फंक्शन ही है सारे लीड बैंक स्कीम के। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, जो बैंक में लोनेबल स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, ताकि जो इन लेबर, बेसिकली लेबर को ध्यान रख के, जो लेबर या फिर वीकर सेक्शन है बेसिकली, उन लोगों को ध्यान में रख के किया जाता है ये काम, ताकि उनके लिए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ठीक है, जो एग्रीकल्चर और उससे एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए ज़मीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए लोन को डिसबर्स करना। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, कई बार फार्मर जब खेती करते रहते हैं, करते करते ज़मीन की प्रोडक्टिविटी एक टाइम के बाद डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स डालने पड़ते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी फिर से मेंटेन हो जाए और जो फसल है वो अच्छी खासी और हेल्दी प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी बैंकों में जनरली लोन नहीं मिलता, लेकिन पर्टिकुलरली एरिया वाइज अगर उस एरिया में ज़रूरत लगती है तो ये बैंक जो लीड बैंक स्कीम्स हैं वो कुछ समय के लिए ऐसी स्कीम्स लाते हैं जिसमें जो लैंड है उसके उसको सुधार करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए भी लोन दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि बेसिकली जो मेन एम है इसका वो फार्मर की इनकम इंक्रीज करना ही है। ठीक है, और जो एक मेन फंक्शन है वीकर सेक्शन, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बेसिकली, उन वीकर सेक्शन को मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कराना, क्रेडिट देना और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए क्रेडिट देना। ठीक है, प्रोडक्टिव पर्पस मतलब वीकर सेक्शन है, अगर कोई एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान है तो उसे थोड़े पैसे दे दिए, ठीक है, उसने अपना एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया या उसे और बैंक ने ऑटो रिक्शा प्रोवाइड करा दिया, तो वो अपना ऑटो रिक्शा का काम कर चलाने का काम करके अपनी अर्निंग करने लगेगा। ठीक है, इस तरह के कई छोटे छोटे एग्जांपल बहुत सारे देखने मिल जाते हैं जहाँ पे बैंकों से पैसे मिलते हैं और लोग जो वीकर सेक्शन है वो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है कि जो बैंकर है बेसिकली वो लीड बैंक स्कीम से यही उम्मीद की जाती है कि जो बैंकर है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रतिभागी बनेगा, एक प्रमुख प्रतिभागी बनेगा, जो उसे एरिया अलॉट किया गया उस एरिया के डेवलपमेंट प्रोसेस में, विकास करने की प्रक्रिया में, ताकि जो जो भी गांव से रिलेटेड रूरल ऑपरेशंस हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, और जो सर्विस एरिया अप्रोच है उसके तहत बैंकर जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट प्लान्स को ईजिली इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में रहता है। तो इसके बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एक कमिटी बनी थी 2009 में, उसका नाम था उषा थोराट कमेटी। ये उसके विजिलेंस के लिए बनी थी कि लीड बैंक स्कीम में अगर काफ़ी टाइम से धीरे धीरे लीड बैंक की स्कीम लीड बैंक स्कीम के फंक्शंस में कुछ कमी देखने को मिल रही थी, तो उसके लिए कमिटी गठित की गई थी कि इसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है, LBS का रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है। LBS मतलब लीड बैंक स्कीम। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एक हाई पावर कमेटी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश की थी, जिसकी अध्यक्षता उषा थोराट जी कर रही थी, जो कि फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उस समय पे, मतलब 2009 के टाइम पे जब ये कमेटी गठित हुई थी। ठीक है,
ताकि वो लीड बैंक स्कीम से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हैं उनको सजेस्ट कर सके। तो बेसिकली जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो लीड बैंक स्कीम है उसको रिवाइटलाइज करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं, इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, उनको रिकमेंड करे ये कमिटी। ठीक है, मतलब उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए जो कदम लेने चाहिए उसका रिकमेंडेशन इस कमेटी से चाहिए था। और साथ ही बैंकिंग फैसिलिटी जो चैलेंजेस फेस कर रही है अभी के टाइम पे, कहने का मतलब उस वक्त के टाइम पे, कहने का मतलब उस वक्त ऐसा टाइम था कि प्राइवेट इकोनॉमी और जो ऑटो प्राइवेटाइजेशन था वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा था और ऑटोनॉमी बॉडीज़ जो हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। तो ऐसे टाइम पे जो बैंकिंग सेक्टर है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, इन सब के बारे में भी रिकमेंड करना गवर्नमेंट को इस कमेटी का काम था। तो आइए देखते हैं इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था लीड बैंक स्कीम के लिए। तो जो पहला रिकमेंडेशन था वो द स्कोप ऑफ द स्कीम नीड्स टू बी इनहेंस्ड। तो जो स्कीम है उसके स्कोप को थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत थी, ऐसा इस कमेटी का पहला रिकमेंडेशन था। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड क्रेडिट स्कीम आती हैं उसको सजेस्ट करने के बजाय इन्होंने एक तेज़ी से फाइनेंशियल इंक्लूजन का, फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन की फैसिलिटी पर ज़्यादा जोर देने के लिए रिकमेंड किया, बजाय इसके कि जो गवर्नमेंट्स की स्कीम है, क्रेडिट स्कीम्स हैं, वो आए और उन्हें गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे। जो पैनल था उसका थर्ड सजेशन यही था कि जो लीड बैंक स्कीम है वो कंटिन्यू एक्सेलरेट करता रहे फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका। जो अंडर बैंक अनबैंक्ड एरिया है जहाँ पे बैंक नहीं है देश के, उन एरियाज में भी इनका काम तेजी से चलता रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट सजेशन था कि प्राइवेट बैंक का जो रोल है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस उनकी प्रेजेंस को उस पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज करना चाहिए, उनकी प्रेजेंस को और बढ़ाना चाहिए ताकि वो लीड बैंक के प्लान से, लीड बैंक स्कीम से लिंक हो सके। ठीक है, जो लास्ट सजेशन था कि बिजनेस से रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड जितने बिजनेस हैं, जितने बिजनेस मॉडल हैं उनका इन्हांसमेंट किया जाए ताकि उन बैंकों में भी बैंकिंग फैसिलिटी को पहुंचाया जाए जहां पर पॉपुलेशन 2000 या उससे अधिक है। साथ ही वहां पर जो कस्टमर हैं उनमें उनके KYC नॉर्म्स में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि उनके अकाउंट्स इजीली खुल सके। बेसिकली उषा थोराट की जो कमेटी थी उसे यही देखने को पता मिलता है, यही पता चलता है कि इनका जो मेन फोकस था, मेन हाईलाइट था, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन था। उषा थोराट कमेटी इस स्कीम को रिवाइटलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक फेवर किया था उन्होंने, मतलब उनका एक हाईली फेवर था और इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का देश में होना काफ़ी आवश्यक था। ये उषा थोराट की बेसिक जो रिकमेंडेशन थी वो थी। तो इसी के साथ हमारा लीड बैंक स्कीम का टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।